चलो मैं आपको गांव का झूला बताती हूँ। ये हमारा बीमल और आप लोगों ने भी कई झूले झूले होंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ गाइस। तो आज मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही सुंदर नज़ारे के साथ, और सुबह की बज गई है 7। देख सकते हो आप इतने सुंदर सुंदर गुलाब है ना। चलो फ्रेश होते हैं तब मिलते हैं। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, तो मुझे उसके लिए चाहिए थोड़े से प्याज। तो हम बाज़ार वाले प्याज तो खाते हैं नहीं, क्योंकि वो तड़के के लिए अच्छे लगते हैं। बाकी सब्जी सब्जी में प्याज अच्छे लगते हैं। और गाइस सबसे मज़ेदार वाली बात बताऊँ, ये देखिए, ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये पूलम का पेड़ है। शायद इस पर पूलम लगे भी हुए हैं, दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, पूलम लगे हुए, ये पूलम है। ये बड़े बड़े होते हैं, रेड रेड एकदम मस्त करके, मज़ा आता है। इनकी चटनी भी बनती है और ये खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं, बाजार जैसे एकदम। ये वाले प्याज है, ये घर के प्याज होते हैं, ये खाने वाने में अच्छे लगते हैं। दिन के बज के 12 और अभी सिर्फ कपड़े कपड़े धोए, क्योंकि 3-4 दिन से ना धूप नहीं थी बिल्कुल भी, बारिश ही बारिश थी। तो देखो पूरे चौक खला रहा मुझे कपड़ों कपड़ों से, वहाँ जगह नहीं थी तो वहाँ भी डाल दिए, ऊपर छत पे भी डाल रखे। शाम के बज गए 6:30 और मैं जा रही हूँ अपने गांव के प्रसिद्ध मंदिर में। मैंने सोचा अपने ऑडियंस को भी मैं अपनी माता रानी के दर्शन करा लेती हूँ और मैं भी खुद दर्शन ले लेती हूँ। तो गाइस देख, चलते ना मैं आपको बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखाने वाली हूँ। चल वो देखिए, वो है हमारा खैरासैन। वहाँ से मैंने स्कूल भी पास किया है, और वहीं जो मुख्यमंत्री थे हमारे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी वहीं के रहने वाले थे। मूलभूत मतलब उनका जो घर था जहाँ से वो पढ़े लिखे थे, वो यहीं से पढ़े लिखे थे। और गाइस उसके ही सामने जो दिख रहा होगा आपको येलो येलो, वो आजकल धान पक रखी है, बहुत ही मस्त। और उसी के नीचे वो आपको नदी भी दिख रही होगी, और वो नदी हमारी नयार नदी है, पूर्वी नयार नदी। चलिए, और ये हमारा छोटा सा बाज़ार है गाइस, छोटा सा मतलब वैसे तो हमारा मेन बाज़ार सतपुली है, बट ये जैसे कुछ भी अगर घर में जल्दी जल्दी में लाना होगा तो हम यहाँ से ला सकते हैं ये। तो एवरीवन वहाँ देखिए, शाम को भी लोग ना शहरों में जाते हैं वो सड़क में घूमने के लिए, हमारे यहाँ के लोग जाते हैं खेतों में घूमने के लिए। और हमें ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। देखो इसको अपनी भाषा में हम कटोरी कहते हैं। हाँ। ये देखो आपको हम इसके फ्लावर्स दिखा लेते हैं, ऐसे इसके फ्लावर्स हाथ में ले लेंगे ना कटोरी, और इनको खाते भी हैं ये जो दाने हैं ना, जब ये ब्लैक थोड़ा ब्लैक हो जाते हैं, जब पूरे ब्लैक हो जाते हैं ना तो इनको खाते भी हैं। ये हमारी गांव की स्यारी है गाइस, स्यारी जहाँ हम पहले धान करते थे कुछ टाइम पहले, जब मैं स्कूल टाइम पे हुआ करती थी ना, तो यहाँ पहले हमें धान करके स्कूल तब जाते थे पहले के ना। अभी 4-5 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है, बस अक्टूबर नवंबर में घास की कटाई होती है। और सबसे अच्छा नज़ारा देखिए वो बादल, कितना सुंदर लग रहा है ना। प्रकृति जिसे कहते हैं, वो प्रकृति गाँव में ही है, बाकी शहरों में तो धूल धाल पता नहीं क्या क्या दिखता ही नहीं है, आर से पार नहीं दिखता। और ये है क्याड़े गाइस, ये क्याड़े, ये है बीमल की लकड़ियाँ। ये बाद में ना इनसे अगर इनको हम नदी में डालते हैं, कुछ टाइम नदी में डालना होता है, उसके बाद इनको ना ऐसे झपोड़ना होता है, ऐसे 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 इनसे ना हमारी भाषा में सोल बोलते हैं, सोल निकल जाता है, मतलब इसके बाहर की खाल निकल जाती है। Thank you.
मैं आपको गांव का झूला बताती हूँ। ये हमारा बीमल और आप लोगों ने भी कई झूले झूले होंगे। अब तो मेरा वजन इतना हो गया ना कि बिल्कुल भी नहीं झूल पाऊंगी। सच्ची मेरा वजन बढ़ गया है ना, इसलिए मैं झूला झूल भी नहीं पा रही। चलिए, गांव में तो लोगों ने खेती कर नहीं रखी है, तो चूहों ने सोचा क्यों ना हम ही खेती कर ले। यहाँ देखिए, पर ये ना बहुत ही काम वाली मिट्टी होती है। इससे ना इसे छान के ना पहले हम खिलौने बनाते थे। स्कूल में ना हमें काम दिया जाता था कि इसके मटके वटके बनाना, और मतलब कुछ खिलौने बनाते थे ना मिट्टी के बर्तन। और यही घर की अच्छी सी लिपाई हो जाती है अंदर, जिसके वो वैसे पहले पूर्वजों में पहले वैसे घर रहते थे ना, कैसे मिट्टी वाले घर रहते थे। तो सेम अभी भी जिसके घर में होंगे ना, वो यही मिट्टी अपने घर में लिपाई के लिए जाते होंगे। बहुत ही पतला मिट्टी, बहुत ही खुशबूदार, मतलब चूहे ना बहुत मेहनत करते हैं इसको निकालने में। पर मेहनत क्यों करते हैं मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेहनत करते क्यों हैं। जब मतलब उनको कुछ मिलता होगा क्या उसके अंदर से, मैं ये बात ना आज तक समझ नहीं पाई कि क्या मिलता है उनको इतनी मेहनत करके इतनी इतनी मिट्टी निकाल देते हैं। इतनी बंजर हो गई ना जमीन, सच बताऊं तो इतनी बंजर, क्या बताऊं मैं। ये पेड़ मेरे टाइम पे बहुत हरा हुआ करता था ना, बहुत ही हरा। और आप देखिए इस पेड़ का हाल, मतलब लगभग 3-4 साल हो गए, जमीन खाली बंजर हो गई, सारी खेत बंजर हो गए, ये पेड़ पौधे सब सूख गए। बस अब जाओ तुम शरम, कुछ नहीं, धूल सिवाय कुछ नहीं शरम। कि अक्टूबर नवंबर में घास की कटाई होती है, तो हमारे यहाँ घास काट के थुआ, हमारे वैसे पलकुण कहते हैं जो पेड़ पे लग जाता है, और जिसे हम घास काटने के बाद थोड़ा सूखने के बाद खेतों में लगाते हैं ना, उसे कहते हैं थुआ। और पेड़ पे ये पलकुण लग गया। अब ये ना सिर्फ मार्च अप्रैल में ही तक काम आएगा, उसके बाद सब ख़त्म। सो हम अपने मंदिर भी पहुँच ही गए लगभग, जय माता रानी। और हमारे माता रानी, मैं बहुत खुश हुई हूँ कि मैं अपने माता रानी के पास आई हूँ। बुलावा होता है ना एक, कि चलो बोलते हैं ना कि भगवान के द्वार जाने से पहले भगवान का बुलावा आता है, सेम वही बात है। हमारे गांव की बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत इसमें मेला भी लगता है गाइस। मैं आपको ना मेला ज़रूर बताऊंगी जब मेला लगेगा। है भरी उखाल लगनी अब तो, खोटा भी थक गिन सी बुढ़े गए लगन बुढ़े पट्ट दिन अब नीचे ले रे अब नीचे। माता रानी इन उखाल की मैं भी अभी नीचे गिरने वाला था, कैमरा मैन तो गिर जाता, मेरा आईफोन ना गिरता। चलिए हम पहुंच ही चुके अपने माता मंदिर। देखिए कितना प्यारा नजारा है ना, ये हमारी काली माता का मंदिर है और इसी में मेला भी होता है। अब मई, शायद मई में मेला होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये इतना पुराना पीपल का पेड़ है ना, इतना पुराना, मेरे दादी मेरे परदादी के टाइम का पेड़ है। आए तेरे द्वारे जी, माता रानी आई। यही हमारा सब कुछ होता है। चलो
आपने माता रानी के दर्शन करवा ही लिए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर 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 करें, और बोलो माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय, बाय बाय।